मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बदलते मौसम में होने वाले सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक औषधि बताने जा रहा हूं, जिसका सेवन करके आप इन दिनों होने वाली सर्दी खांसी एवं गले की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है, इन दिनों हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। संध्या समय में आप देखते होंगे, अगर घर से बाहर निकलते होंगे तो ठंड की अनुभूति आपको मिलती है। ये मौसम देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, महसूस करने में भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु ऐसे ही मौसम में हमारे शरीर पे सर्दी खांसी का अटैक होता है। इन सभी समस्याओं के लिए आज मैं एक कॉम्बिनेशन और एक होम्योपैथिक का सिरप बताने जा रहा हूं, जिसका अगर आप नियम पूर्वक सेवन करते हैं तो ऐसे मौसम में होने वाली सर्दी खांसी एवं गले की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोगों को देखते होंगे कि अचानक ही उन्हें सर्दी लग गई, उन्हें खांसी शुरू हो गई और खांसी भी इतनी कि वे काफी परेशान हो जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, नाक का जाम होना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। आज की वीडियो में मैं एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, जिसे आप बना के अपने घर पे अवश्य रख लें, एवं जिन्हें भी सर्दी खांसी एवं गले की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाए तो औषधि का सेवन करना शुरू कर दें, आप शुरुआती दौर में ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें पहली औषधि है एकोनाइट 200, दूसरी औषधि है स्पोंजिया 200, तीसरी औषधि है एंटीम टार्ट 200 एवं चौथी औषधि है हीपर सल्फर 200। इन चारों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है और एक सीसी में डालकर इसे रख लेना है। जब भी आप औषधि का सेवन करें कम से कम 10 बार सीसी को हिला लें, इससे औषधि का पावर बदलता है और वो ज्यादा लाभ पहुंचाता है। जहां कहीं भी आप देखें कि किसी को सर्दी खांसी हो रही है, किसी को खांसी हो रही है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस औषधि के 2 बूंद की मात्रा को 1-1 घंटे के अंतराल में सेवन करें। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जैसे ही आपको आराम आना शुरू हो जाए, औषधि लेने का समय अंतराल बढ़ा दें। सामान्य दिनों में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि आपके श्वास संबंधित समस्याएं, खांसी संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी। होम्योपैथिक की एक सिरप आती है बापी सिरप, इसके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर एवं 2 चम्मच रात्रि में सेवन करें। बहुत ज्यादा खांसी है, लगभग 7 दिनों तक आप सेवन करें, आप देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के साथ इस सिरप का व्यवहार करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। साथ में अगर आप एक बायोकेमिक की औषधि काली सल्फ को 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर एवं 6 गोली रात्रि में लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत जल्द आप अपने खांसी की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।